कराहल जनपद में लगा विकलांग परीक्षण शिविर। सुबह से भूखे प्यासे आए कई विकलांग जिनका नहीं हुआ कोई काम। खबर कराहल से है, जहां विकलांगों को भारत सरकार को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से सामाजिक न्याय संस्था द्वारा शिविर लगवाया गया था, जिसमें पंचायत सचिवों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वह अपने पंचायत में निवासरत ऐसे लोगों को यहाँ लाएं जो विकलांग हों, उनके प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और उन्हें स्कूटी, ट्राईसाइकिल, बैसाखी या अन्य लाभ मिल सके, इसके लिए उनके फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा हुआ भी, कई पंचायतों के विकलांग लोग सुबह से ही शिविर में आने लगे, कुछ तो लाभ उन्हें शासन से मिल सके, मगर हुआ यह कि शिविर में कई अनियमितताएं देखने को मिली। अधिकतर लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उन्हें नियम कायदे बताकर योजना से बाहर कर दिया गया। कई विकलांग महिलाओं के सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए। फॉर्म भरने के नाम पर एक असहाय महिला जो चल नहीं सकती थी, उससे भी चक्कर कटवाए गए। एक महिला से तो ये तक कह दिया गया कि आप तो सर्टिफिकेट शिवपुर अस्पताल जाकर बनवाना, अगर शिवपुर जिला अस्पताल से ही सर्टिफिकेट बनना है तो ये डॉक्टर यहाँ क्यों आए हैं। कई लोग तो ऐसे थे जो सुबह से शाम तक भूखे प्यासे बैठकर ये इंतजाम करते रहे कि कब उन पर जांच अधिकारी कृपा करेंगे, कब उनका काम होगा। शिविर संचालक ने खाना तो बहुत दूर की बात हुई, इन विकलांग लोगों के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं की है। किराए में पैसा खर्च करके शिविर में आए लोग परेशान होकर भूखे प्यासे वापस चले गए। उन्होंने उसकी शिकायत शिवपुर कलेक्टर संजय कुमार से करने की बात कही। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका मुन्नी, क्या यहाँ पे आप क्यों आई है, जनपद पंचायत शिविर में आई हो, आप क्यों आए हो? आप यहाँ पे आई जो साकी बेटी बनवावे का जे तो बनी नहीं है, नो कह रहे कि सो पर चले जाओ। तो अब विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं? हाँ। तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे हैं ये लोग? ये नहीं बना रहे यहाँ पे, अब कह रहे कि सो पर चले जाओ। सो पर हम कैसे जाए, यहाँ पर तो बुलाए फिर कैसे चले जाए, हम पर नहीं आए। तो फिर सिविल लगाने का क्या फायदा जब शिवपुर ही जाना है तो? आपने पूछा डॉक्टर से? पूछा है तो नो करे तुम सो पर चले जाओ, अब सो पर हम कैसे चले जाए, हम तो विकलांग है। आपका? मेरा नाम कच्चू प्रजापति है सर। किस पंचायत से आयो? मैं सिलपुरी पंचायत से आया हूँ सर। क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, मैं स्कूटी के बारे में आया सर, मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ सर, और मेरी कलेक्टर साहब ने कह दी हुई सर, कलेक्टर साहब ने मेरे से यह कहा न कि तुम 80% साठी विकेट बनवा लाओ, आपके लिए स्कूटी मिल जाएगी। मैं 4 बार कलेक्टर साहब के गया हूँ। आपका 80% का सर्टिफिकेट है आपके पास? 82% है सर मेरे पास। तो आपको तो योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है? कुछ ना लाभ नहीं दिया सर मेरे लिए, मेरा फार्म रख लिया है सर, और कोई लाभ नहीं दिया, नो किया कि आपके लिए स्कूटी नहीं मिलेगी। क्या क्यों नहीं मिलेगी, क्या कारण बताया? नो करे आप चल, दोनों पैरों से चल लेते हैं सर। तो आप तो लेकिन विकलांग है? विकलांग हूँ सर, फिर भी मतलब नहीं दे रहे सर भी। तो मतलब कहीं ना कहीं योजना के नाम पे दिखावा हो रहा है? दिखावा हो रहा है सर, और क्या हो रहा है सर, वो तो जो हो रहा है सर। सुबह से हम 10 बजे से आए सर, भूखे प्यासे यहाँ डरे हैं सर, 10 बजे के आए सर, हमने कुछ नहीं रखा सर हमारे पास, तो हमारी बस भी निकली जाती है सर, हम कैसे जाएंगे सर। आप इस बात की शिकायत करेंगे अधिकारी से? बिल्कुल करेंगे सर, हम तो मैं तो कलेक्टर साहब का सोम जाऊंगा, मैं तो दोबारा भी जाऊंगा सर मैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना वर्मा है। आप यहाँ किस लिए आई हैं शिविर में? मैं बरगमा की रहने वाली हूँ, कराल ब्लॉक से, और ये मैं मम्मी का वो सर्टिफिकेट बनवाने आई थी, तो उसमें पहले बना हुआ है वो 40% का है, मुझे 90% है, मुझे 90% करवाना है उनको। तो बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद होगा, थोड़ी देर बाद 10 बजे के आए हुए हैं, 4 बच्चों के हैं, और अभी तक कोई भी रिप्रेवेंशन नहीं दे रहे, और मतलब शिवपुर जाने की बोल रहे हैं, आप शिवपुर से जाके बनवा सकते हो। ये की जाने की बोल रहे हैं, तो आपने इनसे ये पूछा कि शिविर क्यों लगाया गया है यहाँ पर? वो बोल रहे हैं ना कि आप हम नए वालों को किसी को नहीं देख रहे, पुराने सर्टिफिकेट है उनको देख रहे हैं उनमें। तो आपने ये 40 से 80 आपको क्यों करवाना सर्टिफिकेट? हमें 40 से 80 इसलिए करवाना है, वो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है, थोड़ा कुछ मदद मिले, लाभ मिले, इसलिए करवाना है। तो क्या अभी आपको पंचायत से कोई लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिलता, उनको पेंशन भी नहीं मिलती। मोहन सिंह प्रजापत। किस पंचायत से आए हो आप? बाढ़ पंचायत। क्या मतलब क्या ये शिविर जो लगा है यहाँ विकलांग परीक्षण शिविर, इसमें क्या लेने आए हो आप? साइकिल। तो आपको मिल गई साइकिल? नहीं मिली। क्या कहा, क्या कह रहे हैं ये जो डॉक्टर आए, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब नो कह रहे हैं पहले प्रमाण पत्र बनेगा 80% का, तब साइकिल मिलेगी। तो फिर ये शिविर में आपको इस चीज को ये पूरी नहीं कर रहे हैं, आपके कागज पूरे नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे पूरे। तो फिर किस लिए शिविर लगाए गए हैं? पता नहीं किस लिए लगाया गया है। आप? मैं सुबह को आया हूँ भूखा प्यासा, एक तो सुबह को आया और सवेरे कुछ खाया नहीं है, और जे अनदेखा कर रहे हैं। तो
का सोसवाड़ा पंचायत से हूँ। 90% विकलांग का मेरे पास सर्टिफिकेट है। सुबह से मेरे को बैठा लग गया है, अभी भी बैठने को ही कह रहे हैं बैठो बैठो, देने के नाम पे कुछ नहीं है, ना यहाँ खाने की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था। आप मेरे पीछे मेरे विकलांग भाइयों को देख सकते हो किस तरीके से बैठे हुए हैं, सुबह से ऐसे बैठे हुए हैं, बेचारों की बसें छूट गई है, अब पता नहीं घर कैसे पहुँचेंगे। आने जाने में 300-400 रुपये खर्च हुए हैं और कोई मतलब नहीं है। पहले बार नहीं आया हूँ मैं, पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, पहले भी कुछ नहीं हुआ। क्या परेशानी है आपको, किस विकलांग क्या विकलांगता है आपको? मेरे ये एक पैर कटा हुआ है जो नकली डला हुआ है, आप कहो तो मैं खोल के दिखा दूं। तो ये जो परीक्षण वाले आए ये क्या कह रहे हैं? ये परीक्षण वाले अब मेरे को वजन ज़्यादा बताने लग गए। पहले तो ये कह रहे थे कि आप दोनों पैरों पर चल लेते हो, फिर मैंने उनको बताया कि सर मैंने कहा एक पैर हटा दूं, कैसे चलूंगा दोनों पैरों पर, दो पैर ही नहीं रहेंगे। तो ये क्या केवल दिखावे के लिए लगाया गया है? बिल्कुल पूरी तरह दिखावे के लिए और कुछ नहीं है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो जो विकलांग भाई के पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है उसका सर्टिफिकेट बन रहा है, और जिनको पेंसिल नहीं मिल रही है उनकी पेंसिल बंधी हुई है, बनने का कार्य हो रहा है बस, और कोई कार्य नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं बांटा जा रहा। मेरे पास परसों सेक्रेटरी का फोन आया कि 20 तारीख को कराल में कैंप है, आपको जाना है, आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, तो उस हिसाब से मैं वहाँ से निकल के आया हूँ, और जो सुबह से शाम होती आई अब मैं घर को जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। सुरेतिया है, किस पंचायत से आई हैं? जागता पंचायत से। आप ये परीक्षण शिविर में आई हैं, आप किस लिए आई हैं परीक्षण? दिव्यांग के लिए सर। क्या आपका बन गया दिव्यांग सर्टिफिकेट? अभी फॉर्म तो भर के दे दिया है, पर अभी वो उधर वाले कमरे में जाऊँ तो भाग जाओ, वो बोलता है कि भाग जाओ। तो आप तो विकलांग हैं, आपको ये लोग इधर उधर मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं? अब सर मैं पीछे पीछे पढ़ रही हूँ, पे कोई नहीं बता रहा है कि वो ले जाओ सर्टिफिकेट दे दो, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मैं कैसे जाऊँगी, कोई साधन भी नहीं है मेरे पास। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको शिविर में बुला के परेशान? हाँ, और मेरे साथ कोई है भी नहीं, अकेली बूढ़ीपुरा से। बूढ़ीपुरा से किस लिए आई हो आप? हाँ, किस लिए आई हो आप? साइकिल ले भी। तो साइकिल मिल गई क्या आपको? नहीं मिली। क्यों? अब जो फार्म जमा हुआ था भाई। तो अच्छा, फार्म जमा आप कब की आई हो? सकाई आई है 9 बजे की। तो जब से फार्म नहीं जमा हुए आपके? दे लिया ही नहीं, मैं कितना कुछ दिए तो लिया ही नहीं। अच्छा, नहीं ले रहे हैं आप? हाँ, परेशान हो रहे हैं। मैं ले ही नहीं रही, मैं खुड़ रहा फिर रही हूँ, जितने मैं सामने से देखो जी, मेरे पास जी यार मैं खाई घुमाती बैठी होती तो जी देखो जी। अच्छा, यानी कि आप दोनों पैरों से विकलांग हो और आपके मतलब कागज भी नहीं ले रहे हैं ये लोग? हाँ, कागज नहीं ले रहे। अच्छा, परेशान हो आप इसे? हम राजवीर सिंह कुशवाहा है, मैं जिला समग्र संयोजक हूँ, मैं सामाजिक न्याय विभाग से शिवपुर जिला शिवपुर से हूँ। तो ये जनपद पंचायत कराल में आज क्या आयोजन कराया है? ये भारत सरकार की ओर से एडिप योजना अंतर्गत यहाँ पर दिव्यांगों का शिविर हो रहा है। इसमें ऐसे दिव्यांग जिनके दोनों पैर जिनके चलने में असमर्थ हों, दोनों पैर चलने में असमर्थ हों और जो ज़मीन पर खिसके चल रहे हों, उनके लिए मोटराइज ट्राई साइकिल वैसाखी ये सारी उपकरणों के लिए LMCO की टीम आई है, वो इसका परीक्षण कर रही है और उनको अभी परीक्षण करने के बाद उनको जैसा जो उपकरण मिलेगा उसको उसका एलिजिबल करके और उस रसीद दे रही है, और रसीद लेने के बाद में जब उनको वितरण होगा उसमें वो रसीद लेके आएगी, उसको वो उपकरण मिलेगा। तो क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर मेडिकल बोर्ड से हमने सीमन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है। ऐसे दिव्यांग चलने में असमर्थ है, ज़मीन पर खिसक के चल रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज किसी ना किसी कारण से 70 बना हुआ है या 60 बना हुआ है, तो वो डॉक्टर्स को ऐसा हमने बोल रखा है कि सर ऐसे दिव्यांग इनको जो 80 हो सकता है, जिसके कारण उसको मोटा ट्राइसाइकिल मिल सकती है जो कि अपने बढ़िया मतलब इलेक्ट्रिक बाइक से चल सकेगा, इसलिए कहना जो डॉक्टर्स जो यहाँ पे शेड्यूल बना रहे हैं। आपकी योजनाएं तो अच्छी है, लेकिन इसके विपरीत भी कुछ लोग सुबह से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं अभी एक दो व्यक्ति हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि जो LMCO के जो वो हैं एडिप के जो अभी यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट जो आए हैं विशेषज्ञ जो आए हैं उनका मैंने उनसे ही बात की, उनका ये कहना था कि वो जो व्यक्ति था वो दोनों पैरों से मतलब चल पा रहा है, पैरों पर चल पा रहा है, लेकिन बस उसके थोड़े से नीचे से जो पंजे हैं वो थोड़े से मुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनके बारे में मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, ये पैरों पर खड़ा हुआ है और इसको मोटाई नहीं मिल सकती। उसमें एक्चुअल में ये ऐसा है कि जो सर्टिफिकेट जो जारी करने का जो पोर्टल है वो UDID पोर्टल है, और LMCO में और वो जो एडिप योजना में जो पहले जो बनता था हाथ वाला मैनुअल बनता था वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, वो करते हैं आपका UDID पोर्टल वाला ही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या है, हमने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल बोर्ड के साथ में हमने कंप्यूटर ऑपरेटर भी यहाँ बुलवाया हुआ है,
तो जिससे क्या है कि वो आतवाद बनाएगा, वो आतवाद हम एडिप के विशेषज्ञों को दिखा करके उनको तत्काल उपक्रम मिला देंगे। कुछ आदिवासी महिलाएं कह रही हैं कि सुबह से आए हैं, शाम हो गई है, भूखे प्यासे हैं, क्या इनके लिए पानी की व्यवस्था, कुछ खाने के प्रबंध होते हैं कैसे? नहीं, पानी की व्यवस्था तो की है और खाने के लिए थोड़ा सा ये है, इसमें मतलब इतना इनको समय इसलिए लग गया क्योंकि सर्टिफिकेट इनका जारी नहीं हो पाया। बाकी खाने के लिए ये ऐसा है कि जो एडिप के तहत जो मिलता है इनको, उसमें ये वितरण कैंप में ही देते हैं, ये लोग वितरण कैंप में ही व्यवस्था कर देते हैं। बाकी अगर कोई अगर ज़्यादा समय हो गया है तो मैंने उनको बोला हुआ है कि आपको अगर खाना भूख लग रही है तो मैं अपने खुद से करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।